ऐसी में वकला और डॉक्टर्स में झगड़े का मामला, ग्रैंड हेल्थ अलायंस और खाकरोब एसोसिएशन ने जेल रोड पर धरना दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। इस वक्त जे रोड पे थाना शादमान के बाहर जो खाकरोब एसोसिएशन है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जो नर्सेज हैं, इनकी जानिब से जे रोड को ब्लॉक करके एहतियाती जो धरना है वकला गर्दी के खिलाफ वो दे दिया गया है। और इनके जो मुतालबात हैं, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक अस्पतालों में सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जाएगी, उसके साथ साथ जो वकला जिन्होंने अस्पतालों के अंदर आके अस्पताल का जज्बो जब्त खराब किया, उनके खिलाफ जो है वो कार्य सरकार की मुखालफत और इकदाम कत्ल की जब तक सफात शामिल नहीं की जाएगी, ये अपना एहतियाती जो धरना है ये खत्म नहीं करेंगे। इनके एहतियाती धरने के बाईस जो जे रोड की जो सड़क है इसको ब्लॉक होने की वजह से जो गाड़ियों की जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो लग चुकी हैं और इस वक्त जो ट्रैफिक का निजाम है वो धर्म भरम हो चुका है और शहरियों को आमदोरफ्त के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब पुलिस अहरकार और वार्डन्स की जानब से वर्जन के जरिए कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को जो है वो पास किया जाए, लेकिन जो है वो एहतियाती धरना होने की वजह से और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ताहाल पुलिस वार्डन्स और शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है और खाकरोब एसोसिएशन है, उनकी जानब से थाना शादमान के बाहर एहतियाती धरना दे दिया गया है और खूब वकला गर्दी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। उनके हाथों में जो है वो वाइपर भी है और इनके बोकरे भी है जिसकी जो है जो कि वकला के खिलाफ एहतियाती नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी जानब से कहा जा रहा है कि जब तक उनके खिलाफ जो दफात है FIR में शामिल नहीं की जाती, उनका एहतियाती जो धरना है वो जारी रहेगा। जी ठीक है बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।